शाहपुर से समाजवादी पार्टी ने गठबंधन का उम्मीदवार बनाया है, क्या मुद्दे रहेंगे चुनाव में आपके? मेन मुद्दा मेरे यहाँ तहसील नहीं है, तहसील आने के लिए मेरे क्षेत्र के लोग बागों को कम से कम 20 से 30 किलोमीटर आना पड़ता है। चिकित्सा के लिए कोई बढ़िया हॉस्पिटल नहीं है और मेन मुद्दा वहाँ है कच्ची जमीनों का। मैं उनके लिए मुद्दा उठाऊंगा और सरकार नहीं तो उनको मालिका नहाज दिलाने का पूरा पूरा प्रयास करूंगा। अपना मुकाबला आप किससे मानते? मेरा मुकाबला किसी दल से नहीं है, एक तरफा जीत है हमारी आम आदमी पार्टी की। बीजेपी के वहाँ सुशांत सिंह मौजूदा विधायक हैं, कड़ी टक्कर आपको दे सकते हैं? बिल्कुल नहीं दे सकते, कोई टक्कर नहीं है, कोई टक्कर नहीं है। आपके क्या मुद्दे रहेंगे अगर आप विधायक बनते हैं? मेन मुद्दा वहाँ कच्ची जमीनों का, तहसील का, चिकित्सा का, शिक्षा का और बेरोजगारी दूर करने का रहेगा। कितनी सीटें आ रही प्रदेश समाजवादी पार्टी? कम से कम 400 सीटें हमारी आ रही है। नामांकन किया है, थोड़े मुद्दे रहेंगे आपके चुनाव? सबसे पहला मुद्दा तो चुनाव जीतना ही है। फिर भी क्या अगर आप विधायक बनते हैं तो क्या आपको लगेगा कि विकास में क्या कराना चाहिए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कंटिन्यूस विकास की रफ्तार और नगीना विधानसभा में, क्योंकि लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी विधायक के रूप में नहीं है, इसलिए बहुत से ऐसे कार्य छुपे हुए हैं जो महत्वपूर्ण हैं और जिनको होना ज़रूरी है। कई सारे पुलों की ज़रूरत है, सड़कों की ज़रूरत है, आमतौर से कई पुलिस चौकी की ज़रूरत है, एक PAC की ज़रूरत है, मेडिकल कॉलेज चल रहा है लेकिन उसमें प्रगति लाने की ज़रूरत है। तो ऐसे ही विकास के बहुत सारे मुद्दे हैं जिनका हम लोग आज अपना मुकाबला किससे मांग रहे हैं? वहाँ गठबंधन से, वहाँ पे मनोज पारस है, समाज पहले भी 2 बार विधायक रहे हैं, मंत्री रहे हैं, तो क्या आप बड़ा चैलेंज मांगते हैं इस बार? ये सब, ये चुनाव है, चुनाव में कल क्या होता है जनता पर निर्भर है, लेकिन मुझे विश्वास है कि मैं चुनाव जीतूंगा।